लेकिन राजा को क्या करना चाहिए? वैभव, मकान, कार, गाड़ी, वैभव की इच्छा, ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, मेरा शान होना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये इच्छा। तो ये चार प्रकार की इच्छा अगर हमारे अंदर है तो हम राज दरबार में नहीं पहुंच सकते, राजा के नजदीक नहीं पहुंच सकते। जैसे आपको एक भाई कहेगा मैंने 10,00,000 करोड़ रुपीस खर्चा करके मंदिर बनाया, अभी विधायक जी बताएगा मैंने गांव में मंदिर बनाया, 10 करोड़ रुपीस खर्चा करके मंदिर बनाया, तो वो आप जाके पूजा कर सकते हो? ब्राह्मण चाहिए। क्यों, आपने बनाया आप पूजा करो? नहीं, ब्राह्मण ही देवताओं के नजदीक जा सकता है, ब्राह्मण ही पूजा करेगा। इसलिए कहा जिसके जीवन में ये स्वच्छता, तो चार प्रकार की इच्छा अपवित्रता है। पांचवी, तीसरी, राजा कौन बनेगा वो आप बताओ, राजा की पवित्रता क्या है? ब्राह्मण की परिभाषा तो हाँ वो अलग है, जन्म आधारित है, लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है दुनिया के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, लेकिन कर्म आधारित ब्राह्मण होना चाहिए, जो ब्रह्म परिवार का हो वही ब्राह्मण है। इसलिए तो लंबा चौड़ा करो तो लंबा है, ब्राह्मण कौन, कल भी बताया था ब्राह्मण कौन, तो बहुत कम से कम ब्राह्मण पूछते हो तो दुनिया के आधार से भी यहाँ भी ब्राह्मण कौन, सफेद कपड़े पहना, बैज पहना ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हो ब्रह्मा कुमार भी हो कह सकते हो, जिसके तक कम से कम तीन मर्यादा चाहिए। एक, सवेरे सवेरे ध्यान करता है, निराकार भगवान के साथ ध्यान करता है, योग। दूसरा ज्ञान, तीसरा पवित्रता। जो पवित्र है वही मंदिर में भगवान के नजदीक जा सकता है, ब्राह्मण भी कह गया दुनिया में भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण द्विज, दो दफा जन्म लेता, पहले माँ बाप का जन्म लिया फिर जनिवार पहनते हैं, पहनाते हैं तो शुद्धि करते हैं, है ना, तब वो ब्राह्मण है, सिर्फ ब्राह्मण नहीं बनता। तो उधर भी विधि है, यहाँ भी विधि है, ब्राह्मण वो कम से कम तीन प्रकार की स्वच्छता मर्यादा चाहिए, ब्राह्मण बहुत कुछ चाहिए कम से कम तीन होना चाहिए। तो राजा के लिए पवित्रता क्या है कौन बताएगा? साधारण बोल या साधारण कर्म राजा के लिए अपवित्रता है, उनके एक एक बोल वरदान है। एक बोल राजा के, देखो गवर्नर भी प्रेसिडेंट भी जो चाहे बोल नहीं सकता है, उनको लिख के देते हैं, क्योंकि एक शब्द का बहुत अर्थ हो जाते हैं, जो चाहे इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है, एक ही शब्द का अर्थ बहुत होता है, तब कहते हैं तीनों आदि मध्य अंत हर प्रकार से जो साधारण बोल या साधारण कर्म अपवित्रता है। राजा कौन बन सकता है? हर बोल वरदान होना चाहिए। तो बाबा ने मुरली के अंदर की पवित्रता किसको कहते हैं? राजा कौन, प्रजा कौन, दादा ये कौन, कौन रॉयल फैमिली कौन, हर एक की विधि दिया। जैसे स्कूल में 60% से ऊपर लेता है, 70% लेता है, 90% नंबर वन, नंबर टू कौन, और 35% से भी कम लेता है तो उसके बाद नंबर थर्ड, तो वहां भी परसेंटेज है, यहां भी प्रजा कौन, राजा कौन, रॉयल फैमिली कौन। तो अपने आप को चेकिंग करो, अब इन तीनों को मिलाकर भाई जी क्या करना चाहिए, कौन सी पवित्रता है? कुछ भी नहीं। तो मैंने पहले दिन बताया था यहां पवित्रता कौन सी, कुछ भी नहीं। अगर शादी नहीं किया उसको पवित्र नहीं कहते। यहां तीनों मिला करके अगर राजा बनना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, किससे पर नजर गई, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो, इसमें तीनों समाये हुए हैं, इतना सत्य है, इनको देखते ही मन में शुद्ध विचार आया, गलत विचार नहीं आया, मन की स्वच्छता हुई। हाँ, इसको देखते ही कौन याद आया, शुभ बाबा याद आया, इनका नहीं, इसके पास बहुत अच्छा बैच है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये नहीं आया, है ना, तो शुभ बाबा या बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, इसका कल्याण करो। अरे जो बोला वो भी अच्छा बोला, कोई गलत नहीं बोला, संकल्प भी गलत नहीं किया, श्रेष्ठ संकल्प, एक में तीनों ही है। वो पहले दिन बताया था नंबर वन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग नंबर वन, कुछ नहीं करता, किसी को देखते ही मन में श्रेष्ठ संकल्प, नंबर वन पवित्रता, नंबर वन राजयोग। ठीक है, समझ में आया? कंक्लूजन करो तो एक साधारण, विस्तार करो तो अलग अलग चीज है। ओम शांति।